let's continue the concept of qualitative analysis of electrolytic cell. मेरे पिछले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कराया था, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पहला पार्ट दैट वॉज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वह समझाना चालू कर दिया था, और यह मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वी ऑब्जर्व कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और हमने यह बताया था कि इसमें दो एस्पेक्ट को हमको समझना है, एक तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किस तरह की रिएक्शन हो रही है, उसमें किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, एंड सेकेंडली उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसका एप्लीकेशन समझाया था कि हाउ वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इट्स टैबुलेशन ऑफ द एलिमेंट और द स्पीशीज इन इंक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। और फिर मैंने अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेकर उनका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, उनमें होने वाली रिएक्शन वहां समझाई थी। अब दिस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मैं एक और बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इधर लिखता हूं, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसमें सबसे ऊपर लिथियम, देन वी हैव गॉट सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, क्लोराइड, हाइड्रोक्सिल, नाइट्रेट, सल्फेट और फ्लोरीन। Now this concept of electrochemical series was used in deciding metallurgical principles of various metals. कई सारे metals से उनके metallurgical principles design करने में, conceptualize करने में, we apply the concept of electrochemical series. For example, in the metallurgy of aluminium. Aluminium, the major ore of aluminium. If I discuss about metallurgical principle of aluminium, the principal ore of aluminium is bauxite. This is the ore of aluminium, and in this bauxite, aluminium is present in the form of alumina, Al2O3. Bauxite mein aluminium alumina ke form mein present hota hai, Al2O3 ke form mein present hota hai. Is bauxite se we obtain pure alumina. By either of three methods, teen method hote hain, ek to Bayer's process, dusra Hall's process और तीसरा Sapex process। Now it's not like कि कोई सा भी method लगाकर हम बॉक्साइट से pure aluminium obtain कर लेंगे, ऐसा नहीं है। It depends on the nature of impurity। यह जो बॉक्साइट है जिसमें एलुमिना है, इसमें इंप्यूरिटी किस तरह की है। इफ वी हैव गॉट बेसिक इंप्यूरिटी, यदि बॉक्साइट के अंदर बेसिक इंप्योरिटी है, देन वन ऑफ द प्रोसेस बेयर्स प्रोसेस इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन प्योर एलुमिना।
वाइल इफ बॉक्साइट कंटेन सिलिकेट इंप्योरिटी, उसमें मिट्टी कुछ ज्यादा है, देन सॉपेक्स प्रोसेस इज अप्लाइड. वाइल इफ बॉक्साइट कंटेन एसिडिक इंप्योरिटी देन हॉल्स प्रोसेस इज अप्लाइड. आई सिंपली मीन टू से डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंप्योरिटी we employ the suitable process to obtain pure alumina. इस तरीके से bauxite से pure alumina पहले हमने obtain कर लिया. Now from this pure alumina by electrolysis method we used to obtain pure aluminium. प्योर एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस करके इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से प्योर एल्यूमिनियम ऑब्टेन करा जा सकता है, बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन कैरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस. इस इलेक्ट्रोलिसिस को करने में ढेर सारी समस्या होती है. एल्यूमिनियम का पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहीं इधर है, जिंक के ऊपर, मैग्नीशियम के नीचे. केमिकल मेथड्स के द्वारा एल्यूमिना से एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना बेहद मुश्किल है. यू कांट रिड्यूस एल्यूमिना से, यदि आपको एल्यूमिनियम चाहिए तो आपको रिड्यूस करने के लिए इसके ऊपर वाले एलिमेंट प्योर कंडीशन में चाहिए होंगे. आप एल्यूमिना से एल्यूमिनियम ऑब्टेन तो कर सकते हो, मगर उसके लिए आपको प्योर मैग्नीशियम चाहिए होगा. यदि आप प्योर मैग्नीशियम इस्तेमाल कर लो तो चूंकि मैग्नीशियम ऊपर है इसलिए मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और एल्यूमिनियम नीचे है इसलिए एल्यूमिनियम रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पर यह रिएक्शन हो जाएगी, यह रिएक्शन मिल जाएगी. बट वंस अगेन इस तरह से केमिकल मेथड से यदि आप एल्यूमिना से एल्यूमिनियम ऑब्टेन करोगे तो उसके लिए आपको प्योर मैग्नीशियम चाहिए होगा. प्योर मैग्नीशियम ऑब्टेन करना वो इतना आसान नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है. हम कहते हैं केमिकल मेथड के द्वारा एल्यूमिना से एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना इट वोंट बी इकोनॉमिकली फिजिबल, इट्स नॉट टेक्निकली फिजिबल. प्योर एल्यूमिना से इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ही एल्यूमिनियम ऑब्टेन करा जाना चाहिए, बट वाइल कैरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस वी हैव गॉट मेजर प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कांट मेंटेन एक्वेस मीडियम. हम एक्वेस मीडियम में इस इलेक्ट्रोलिसिस को नहीं कर सकते. एक्वेस मीडियम में हम इस इलेक्ट्रोलिसिस को क्यों नहीं कर सकते, दो वजह. पहली बात, एल्यूमिना पानी के अंदर डिसॉल्व होता ही नहीं है, होएगा ही नहीं, एक्वेस सॉल्यूशन बनाएगा ही नहीं. और मान लीजिए हमने एल्यूमिनियम का कोई कॉम्प्लेक्स बना दिया और उस कॉम्प्लेक्स को पानी में डिसॉल्व भी कर दिया, तभी यदि आप इलेक्ट्रोलिसिस करने जाओगे तो रिडक्शन एल्यूमिनियम का होने के बजाय एक्वस सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव का रिडक्शन होगा. इस बात को समझे. पहली बात, एल्यूमिना पानी के अंदर डिसॉल्व होगा ही नहीं, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं. चलिए फिर भी हम एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं, एल्यूमिना का नहीं बनाते हैं, हम एल्यूमिनियम का कोई सॉल्ट बना लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. यदि हम इसको NaOH से ट्रीट करवा दें तो सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन सकता है, NaAlO2 या फिर Na3AlO3. इस तरह से सोडियम सॉल्ट बनाए जा सकते हैं और उन सोडियम सॉल्ट का एक्वेस सॉल्यूशन बनाया जा सकता है.
मगर उसका एक्वस सॉल्यूशन के यदि आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो वहां पर एल्यूमिनियम का रिडक्शन होने के बजाय एच पॉजिटिव का रिडक्शन होगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन होंगे और चूंकि एच पॉजिटिव आयन एल्यूमिनियम के नीचे है तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वहां रिड्यूस एल्यूमिनियम के होने के बजाय एच पॉजिटिव का रिडक्शन होगा। एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ मोल्टन कंडीशन में ही करा जा सकता है। मोल्टन स्टेट में प्योर एल्यूमिना लिया जाए और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा जाए तभी हमें प्योर एल्यूमिनियम मिल सकता है। मगर जो समस्या है, पहली समस्या, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज इट हैव गॉट हाई मेल्टिंग पॉइंट। द सेकेंड प्रॉब्लम इज एल्यूमिना हैव गॉट कोवेलेंट नेचर। एल्यूमिना का कोवेलेंट नेचर होता है, ड्यू टू कोवेलेंट नेचर इट हैव गॉट पुअर कंडक्टिविटी। प्रैक्टिकली प्योर एल्यूमिना डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे प्योर वाटर, वाटर का कोवेलेंट नेचर है और प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बिल्कुल इसी तरह से एल्यूमिना की पुअर कंडक्टिविटी है, पुअर कंडक्टिविटी ड्यू टू इट्स कोवेलेंट नेचर। द सेम थिंग जैसा हमने प्योर वाटर के लिए कहा था, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि वो कोवेलेंट नेचर का है, उसका आयनाइजेशन नहीं होता। Al2O3 भी प्योर Al2O3 ले लिया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज इट्स हाईली रिफ्रैक्टरी इन नेचर। हाईली रिफ्रैक्टरी इन नेचर मींस व्हेन करंट पासेस थ्रू Al2O3 इट शाइन लाइक एनीथिंग एंड इट लूजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इट्स हाईली रिफ्रैक्टरी इन नेचर। वी मीन टू से कि जब इसमें से करंट पास होता है तो यह काफी अधिक शाइन करता है और काफी अधिक शाइन करके रेडिएशन के रूप में, लाइट रेडिएशन के रूप में ढेर सारी एनर्जी रेडिएट करता है, लूज करता है, मतलब वेस्ट कर देता है। एल्यूमिना कितना अधिक रिफ्रैक्टरी नेचर का है आप इस बात को इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कैमरे में फ्लैश लाइट होती है, कैमरे के अंदर जो फ्लैश लाइट होती है, आप जब कोई स्नैप लेना चाहते हो और क्लिक करते हो, जब आप क्लिक करते हो तो एक बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बैटरी से करंट पास होता है और उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए जरा सा करंट पास होने से वहां पर एकदम से एक फ्लैश आता है और उस फ्लैश से एकदम से एनवायरमेंट लाइटेंड हो जाता है एंड यू टेक ए स्नैप। उस फ्लैश लाइट में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है दैट इज एल्यूमिना। फ्लैश लाइट के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है दैट इज एल्यूमिना। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि बहुत छोटे से समय के लिए जरा सा करंट पास करा, उस जरा से करंट के पास करने से वो कितना अधिक चमकने लगा, इतना अधिक चमकने लगा कि आपने उसको एक फ्लैश लाइट के रूप में इस्तेमाल कर। अब आप जरा सोचिए कि इसी एल्यूमिना का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, उसमें से जब ढेर सारा करंट लंबे समय के लिए पास करोगे तो वो कितना अधिक चमकेगा और इस तरह से चमकते हुए कितनी अधिक एनर्जी को बर्बाद करेगा, वेस्ट करेगा। दिस आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हेन वी कैरी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना इन ऑर्डर टू ऑब्टेन प्योर एल्यूमिनियम। हम कहते हैं
इन प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है, ये तीनों प्रॉब्लम को खत्म तो नहीं करा जा सकता मगर इन्हें मिनिमाइज करा जा सकता है। एंड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द थ्री प्रॉब्लम्स द सिंपल मेथड द सिंपल सॉल्यूशन इज एड सम सूटेबल इंप्योरिटी व्हाइल कैरिंग आउट द इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें आप एक सूटेबल इंप्योरिटी डाल दीजिए। वी ऑलवेज नो दैट एडिशन ऑफ इंप्योरिटी ऑलवेज लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट। प्योर एलुमिना का जो भी कुछ मेल्टिंग पॉइंट है इट वुड बी वेरी हाई इन द रेंज ऑफ 2000 और 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, मगर इसमें यदि आप कोई सुटेबल इंप्योरिटी डाल देते हो तो इंप्योरिटी के ऐड करने से हमेशा मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। यू मे डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट बाय एडिंग सुटेबल इंप्योरिटी। ऑफ कोर्स जिस तरह से प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है, मगर आपने जब उसमें जरा सा Na2SO4 डाला, जरा सा ZnSO4 डाला तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होने लगा। Na2SO4 के डाल देने पर हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखा है, तीसरा सेल मैंने वही डिस्क्राइब करा है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस एकदम फास्ट होने लगा। बिल्कुल इसी तरह से प्योर एल्यूमिना का भले ही इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो रहा है मगर इसमें यदि हमने कोई सुटेबल इंप्योरिटी डाल दी जिसका आयोनिक नेचर है तो उसके आयोनिक नेचर से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और एल्यूमिना का कंडक्शन होने लगेगा। इट वुड स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। और यदि वह सुटेबल इंप्योरिटी कुछ ऐसी हुई जिसका रिफ्रैक्टरी नेचर नहीं है या रिफ्रैक्टरी नेचर कम है, यदि वह एल्यूमिना के ऊपर एक कवरिंग बना लेता है तो एल्यूमिना के ऊपर कवरिंग के बन जाने से एल्यूमिना रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी लूज नहीं कर पाएगा, वह एनर्जी वहीं की वहीं ट्रैप्ड रहेगी और उसको गर्म रखने में और उसको मोल्टन स्टेट में रखने में काम आती रहेगी। वी यूज टू से दैट वी सिंपली नीड टू एड सुटेबल इंप्योरिटी। अब हमें यह सोचना है कि वह सुटेबल इंप्योरिटी किस तरह की। एक बात समझ जाए, हमें एल्यूमिनियम को रिड्यूस करवाना, यदि हमें एल्यूमिनियम को रिड्यूस कराना है तो हमें कोई ऐसी इंप्योरिटी नहीं रखना है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसके नीचे हो। यदि हमने कोई सी भी ऐसी इंप्योरिटी चूज कर ली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा और उसका रिडक्शन पोटेंशियल यदि ज्यादा हो गया तो एल्यूमिनियम रिडक्शन के बजाय नीचे वाला वह एलिमेंट रिड्यूस होने लगेगा। जैसे हम मान लीजिए सोचे हीमेटाइट, हीमेटाइट हीमेटाइट मीन्स Fe3O4। हीमेटाइट से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, हीमेटाइट से कंडक्टिंग भी बढ़ जाएगी और हीमेटाइट से रिफ्रैक्टरी नेचर भी खत्म हो जाएगा, मगर हम हीमेटाइट नहीं डाल सकते, हम Fe3O4 नहीं डाल सकते क्योंकि Fe की पोजीशन एल्यूमिनियम से नीचे है। ऐसी कंडीशन में यदि हमने हीमेटाइट डाला तो वहां रिडक्शन एल्यूमिनियम का होने के बजाय Fe3 का होने लगेगा। इट्स नॉट अ सुटेबल इंप्योरिटी। वी नीड टू थिंक ऑफ सम सुटेबल इंप्योरिटी और वह सुटेबल इंप्योरिटी एल्यूमिनियम, उसमें कैटायन एल्यूमिनियम से ऊपर। वी यूज टू से द मोस्ट सुटेबल इंप्योरिटी इज क्रायोलाइट Na3AlS6। दिस alumina is mixed with cryolite. Alumina is Al2O3 and cryolite is Na3AlF6. यह मिक्सचर अब बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा वाटर विथ Na2SO4, वाटर में Na2SO4 डालने पर जिस तरह से मिक्सर बन रहा था बिल्कुल वैसा ही बन गया। अब देखिए क्या होएगा, हम इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं। एल्यूमिना मिक्स विथ क्रायोलाइट एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग
इट्स इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट एनोड. Graphite anode and pure aluminium cathode. Graphite की anode ले ली जाती है और pure aluminium की cathode ले ली जाती है. देखिए इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा, उस रिएक्शन को लिखते Al2O3. ये वहां पर ढेर सारा कुछ इस तरह का सेटअप है. वहां पर this is graphite anode, and this is aluminium cathode. वहां पर ढेर सारा alumina है हर तरफ और Na3AlF6. मैं इधर लिख रहा हूं रिएक्शन. Na3AlF6 डिसोसिएट होता है ढेर सारे आयंस मिल रहे हैं वहां पर Na3 L-F6-3 negative. यह इतने अधिक आयंस वहां पर मिल जाने से इट्स हाईली आयोनिक कंपाउंड. वहां पर कंडक्टिविटी एकदम से बढ़ जाती है. इन आयंस की वजह से वहां पर जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. एडिशन ऑफ इंप्योरिटी से मेल्टिंग पॉइंट अपने आप कम हो गया. क्रायोलाइट के ऐड कर देने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा. और खास बात, क्रायोलाइट होता है डार्क ब्राउन कलर का. इट हैव गॉट जीरो रिफ्रैक्टरी नेचर. इसका कोई रिफ्रैक्टरी नेचर नहीं होता. और एक खास बात, इसकी डेंसिटी भी एलुमिना से कम होती. एलुमिना से डेंसिटी कम होने से यह क्रायोलाइट सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेता है और सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेने से कोई लाइट रेडिएशन अब बाहर नहीं जा पाती. बिकॉज क्रायोलाइट हैव गॉट नो रिफ्रैक्टिव नेचर. इट हैव गॉट डार्क ब्राउन कलर. इससे जब करंट पास होता है तो कोई लाइट रेडिएशन एमिट नहीं होती है. और डेंसिटी कम होने से ये इस तरह से सरफेस पर फैल भी जाता है. तो एल्यूमिनियम से जब करंट पास होएगा, एलुमिना से जब करंट पास होएगा, तो उसके द्वारा एमिटेड लाइट रेस कोई बाहर नहीं जा पाएंगी, एस्केप नहीं कर पाएंगी. वहीं के वहीं अंदर ही के अंदर ही वहां एनर्जी ट्रैप रहेगी. और अंदर ही एनर्जी ट्रैप रहने से उसको गर्म रखने में काम है, उसको मोल्टन स्टेट में रखने में काम है. इस क्रायोलाइट के इस तरह से डिसोसिएशन के बाद अब एट एनोड किसका ऑक्सीडेशन होगा, जरा हम सोचते हैं. एनोड पर कौन कौन है यह सोचे. दिस इज एनोड. एनोड पर एक तो AlF6 है. AlF6 नेगेटिव है. यह एनायन एनोड पर जाएगा. इसके अलावा एनोड पर चारों तरफ ढेर सारा Al2O3 वहां पर ढेर सारा ऑलरेडी है, उसी का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं.
और एनोड स्वयं ग्रेफाइट की बनी हुई है। अब हम यह सोचें कि एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज होगा, क्या AlF6 का एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होएगा? कभी नहीं। AlF6 का एल्यूमिनियम तो ऑलरेडी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो तो अपने ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो ऑक्सीडाइजेबल है ही नहीं, इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्या AlF6 का फ्लोराइड आयन, क्या वह ऑक्सीडाइज होएगा? कभी नहीं। फ्लोराइड आयन तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे है, ये तो कभी ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, इसको कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। किसी भी सेटअप में फ्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होकर फ्लोरीन गैस बना ले, ये इतना आसान नहीं है। फ्लोराइड आयन भी ऑक्सीडाइज नहीं होएगा, तो फिर ऑक्सीडाइज होगा कौन? हम कहते हैं एनोड पर यह जो ग्रेफाइट है यह ऑक्सीडाइज होएगा। किस तरह से ऑक्सीडाइज होएगा? एनोड का ग्रेफाइट, वहां पर जो ढेर सारे Al2O3 रखे हुए हैं, इनके साथ में कंबाइन होते हुए 3 कार्बन एटम Al2O3 के साथ में कंबाइन होते हुए यह ऑक्सीडाइज होंगे। वहां पर 3CO प्लस ट्वाइस Al3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से वहां पर ऑक्सीडाइज ग्रेफाइट हो रहा है। आप देखिए एल्यूमिनियम +3 पर ही है, एल्यूमिनियम +3 पर ही है, ये ऑलरेडी अपने मैक्स ऑक्सीडाइज स्टेट पर था। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, ऑक्सीजन -2 का -2 पर ही है, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? देखिए ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट प्रॉड है जो बार बार वहां पर खत्म होती जाएगी और आपको हमेशा ग्रेफाइट को रिप्लेनिश करते रहना पड़ेगा, बार बार नई ग्रेफाइट रॉड डालते रहने पड़ेगी। यह ग्रेफाइट जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर था, यह ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। एनोड पर कार्बन मोनोऑक्साइड के बबल्स निकलते हुए दिखेंगे और इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए। दिस इज द रिएक्शन दैट वुड टेक प्लेस एट एनोड। और खास बात, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है ये वेस्ट नहीं जाएगा, इसे हाइड्रोजन के साथ मिला के वाटर गैस के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाएगा, इसी को गर्म रखने में। कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिलाया और वहां पर बन गई वाटर गैस। वाटर गैस इज एन एक्सेलेंट फ्यूल, और वाटर गैस एक ऐसा फ्यूल है जिससे आप बड़ी आसानी से टेम्परेचर को 1.5-2 हजार तक पहुंचा सकते हो। यह जो एनोड से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके नीचे बर्न करा जाएगा और इसको बर्न करके इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को गर्म रखने में भी यह काम आएगा। और दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। अब जरा सोचे एट कैथोड क्या रिएक्शन होगी? एट कैथोड एक तो सोडियम आयन जाएगा, यह क्रायोलाइट से आने वाला सोडियम आयन, और दूसरा अभी अभी एनोड से एल्यूमिनियम आयन रिलीज हुआ है। यह देखिए सोडियम आयन के साथ साथ कैथोड पर एल्यूमिनियम आयन भी जाएगा जो एनोड से रिलीज होकर आया। अब हम देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम आयन और एल्यूमिनियम आयन की रिलेटिव पोजीशन, रिड्यूस कौन होएगा? सोडियम आयन ऊपर है, एल्यूमिनियम नीचे है, निश्चित एल्यूमिनियम रिड्यूस होएगा कैथोड पर यह एल्यूमिनियम आयन इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। ओवरऑल यदि हम रिएक्शन लिखें तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होगी दैट मे बी रिटन इन दिस मैनर, CC प्लस
H2O3 giving you twice Al plus thrice CO. This reaction would take place in the electrolytic cell.